वाह, इतने दिनों के बाद तेरे हाथ की चाय पीकर तो मजा आ गया। आज भी तेरे हाथों में वही जादू है। अरे तुम तो शहर में रहती हो, मैंने सुना है वहाँ तो खाने पीने की बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें मिलती है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं। हाँ ये बात तो है, जब से मैं शहर में रहने गई हूँ ना, तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मैं तो तुझे भी यही सलाह देती हूँ कि तू भी किसी तरह अपने पति को मना कर हमेशा के लिए शहर में सेटल हो जा, फिर तो तू भी रोज मजे करेगी। बात तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन अगर मैं शहर चली गई तो माँ जी का ख्याल कौन रखेगा? अरे तू उस बुढ़िया के चक्कर में अपनी पूरी जिंदगी क्यों इस छोटे से गांव में बर्बाद कर रही है? तेरी सास तुझसे नौकरानी की तरह काम करवाती रहेगी और तू पूरी जिंदगी इस घर में कोलू के बैल की तरह पीसती रहेगी। अरे तू आज के जमाने की औरत है। खैर तुझे समझाना मेरा काम था, आगे तेरी मर्जी। अच्छा तब मैं चलती हूँ। फिर इतना कहकर कविता वहाँ से चली जाती है, लेकिन कविता की कही गई बातें विमला के दिमाग में घूमने लगती है और वो शहर जाने के सपने देखने लगती है। फिर एक दिन, अरे बहू आज तो मेरे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा जल्दी आके तेल से मालिश तो कर दे। तभी विमला अपने कमरे से बाहर आती है और गुस्से में अपनी सास को जवाब देती है। अरे माँ जी ये तो आपका रोज रोज का नाटक हो गया है, मेरी तो समझ में नहीं आता, आप मुझे अपनी बहू बनाकर लाई है या इस घर की नौकरानी? अरे बहू आज तुझे अचानक क्या हो गया, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो तू इतना नाराज हो रही है? बुढ़ापे में तो बहू ही अपनी सास की सेवा करती है ना। वो जमाना गया माँ जी, मैं आज के जमाने की लड़की हूँ, आज से आप अपना सारा काम खुद करिए। फिर इतना कहकर विमला वहाँ से चली जाती है। उसी शाम विमला अपने पति हरिया से हमेशा के लिए शहर में बसने की जिद करती है। सुनिए जी, कब तक हम इस छोटे से गांव में अपनी जिंदगी गुजारेंगे? अब तो राजू भी बड़ा हो रहा है, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए हमें शहर में जाकर रहना चाहिए। अरे भाग्यवान, बात तो तुम एकदम सही कह रही हो, लेकिन शहर जाकर हम रहेंगे कहाँ? वहाँ ना तो हमारा कोई रिश्तेदार रहता है और ना ही कोई जान पहचान वाला। अरे जान पहचान तो बनाने से बनती है, शहर में तो कामों की कमी नहीं है और वहाँ पैसे भी बहुत अधिक मिलते हैं। मेरी सहेली कविता 5 साल से शहर में बसे से रह रही है, मैं तो कहती हूँ जितना जल्दी हो सके तुम भी शहर चलने की तैयारी करो। फिर हरिया अपनी पत्नी की बड़ी बड़ी बातों से प्रभावित होकर शहर जाने का मन बना लेता है और शहर जाने के लिए गांव के लाला से कर्ज ले लेता है। कुछ दिनों के बाद हरिया अपनी बूढ़ी माँ को घर में अकेला छोड़कर अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर चला जाता है, लेकिन शहर पहुंचकर हरिया को रहने की जगह ढूंढने में काफी परेशानी होती है। फिर बड़ी मुश्किल से किसी तरह वो एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर अपने परिवार के साथ रहने लगता है। हरिया रोज काम की तलाश में शहर भर में भटकता, लेकिन उसे कहीं कोई काम नहीं मिलता और फिर धीरे धीरे उनके पास बचे हुए पैसे भी खत्म होने लगते हैं और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें एक वक्त भूखा रहकर दिन गुजारना पड़ता है। एक रात हरिया पैसों का हिसाब करके अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान ये कहाँ फंसा दिया तुमने, इस शहर में जीना तो बड़ा ही मुश्किल है, कहीं काम मिलना तो दूर की बात है, यहाँ के लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, अब हमारे पास खाना खाने तक के पैसे नहीं बचे हैं। तभी वहाँ मकान मालिक आ जाता है। अरे भाई मैंने तुम्हें कमरा देते वक्त ही कहा था कि मैं रोज के रोज पैसे लूंगा, 2 दिन हो गए तुमने 1 रुपया भी नहीं दिया। सेठ जी इस वक्त तो मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मैं जल्द ही आपको किराए के पैसे दे दूंगा। ओहो इस तरह की बातें तो मैं सालों से सुनता रहा हूँ, अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो कल मेरा कमरा खाली कर दो। हाँ इस शहर में किराएदारों की कमी नहीं है। ये कहकर मकान मालिक वहाँ से चला जाता है।
अब हरिया और उसकी पत्नी समझ जाते हैं कि बिना सोचे समझे शहर आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब इस शहर में उनका गुजारा नहीं हो सकता। फिर अगले ही दिन दोनों शहर छोड़कर गांव चले जाते हैं। विमला घर पहुंचकर अपनी सास से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बाहर वालों की बातों में आकर आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। अरे बहू, तुमने अपनी गलती मान ली, मेरे लिए यही बहुत है। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों को वक्त रहते अपनी गलती का एहसास हो गया। फिर विमला अपनी सास की खूब सेवा करती है और वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। शिक्षा: हमें बिना सोचे समझे कभी कोई फैसला नहीं करना चाहिए।